सभी लोग नहीं टीवी में देख लीजिए जरूर। सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर है। गाइज अभी हम मौजूद है प्रधानमंत्री संग्रहालय लोकेटेड एट तीन मूर्ति भवन। पिछले महीने ही 15 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आज हम आए इसको एक्सप्लोर करने। बहुत बहुत ही क्लासिक म्यूजियम लग रहा है बाहर से देखने पे। टिकट्स मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो तो 90 रुपीज़ प्राइस है और अगर यहाँ पे आके ऑफलाइन कैश में करवाते हो तो 100 रुपीज़ चार्जेस है। उसके साथ साथ आप काफ़ी चीज़ें एड ऑन करवा सकते हो लाइक वॉक विद पीएम, सेल्फी विद पीएम, फिर एक रोबोटिक हैंडीक्राफ्ट वाला कुछ मतलब हैंड राइटिंग वाला कुछ सिस्टम है, एक है हेलीकॉप्टर राइड, बट वो सारी राइड फुल हो चुकी थी। बट कैसे ना कैसे करके हमको वॉक विद पीएम और सेल्फी विद पीएम का ऑप्शन मिल चुका है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम एक्सप्लोर करते हैं पीएम संग्रहालय और आपको भी दिखाते हैं। गाइज इतने सारे सिक्योरिटी चेक्स और इतने सारे टर्म्स और कंडीशंस कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पे। ये पूरा कैंपस है, वो मतलब डमी बना रखा है उसका, जो अभी न्यू बिल्डिंग बनी है उसका। ये मेन एंट्रेंस पे ही दो गेट है, ये वाला जो गेट है ये जा रहा है नेहरू जी का जो पहले म्यूजियम था, यहाँ पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी का म्यूजियम हुआ करता था, तो ये वाला गेट उधर जा रहा है। ये जो गेट है, ये जो न्यू बिल्डिंग बनी है जहाँ आज तक के सारे 14 प्राइम मिनिस्टर का डिस्प्ले किया गया है, ये उस साइड जा रहा है। सो गाइज हमने जब वीडियोस में देखा, यूट्यूब पे देखा ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस वो जो मेन जो चक्र बना हुआ है वही है। 15-20 मिनट, एक घंटा मैक्सिमम लगेगा, तो कह रहे 2.5 से 3 घंटे तो सिर्फ आपको घूमने में लगेंगे अंदर। अब पता नहीं ब्लॉग कितना लंबा बनने वाला है। ये भी है, सारी क्लिपिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। हर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ ना कुछ बता रखा है, उनके फ़ोटोज़ है, उनकी टाइमलाइंस है। यहाँ पे सबको ऑडियो गियर्स मिले हुए, मतलब हेडफोन और ईयरफोन्स टाइप, ताकि जिस भी एरिया में, जिस भी कैंपस में आप जाते हो वहाँ क्या चल रहा है, कौन सी क्लिप चल रही है, उसके बारे में आपको ऑडियो में सुनाई देता रहेगा। आप देख सकते हो सब ऑडियो यूज़ कर रहे हैं और सबको ये सब म्यूटेड है, ये जो है ना ये सब म्यूटेड है, इसमें क्या बोला जा रहा है वो सब उनको ऑडियो में सुनाई देगा। क्या गाइस दिखाया गया कि पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री शपथ लेता है ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद द रोल एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेप्लिका रखा गया है और ये सारी भाषा लिखी गई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ट्रांसलेट किया गया है। अब जैसे हमें गुजराती में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत नो संविधान। ये श्री जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, ये उनका बेडरूम था, ये जो पूरा है ये इनका बेडरूम है, तो ये उनका पूरा बेडरूम है भैया, यहाँ पे वो सोते थे, चाय नाश्ता ठंडा पानी सब यहीं होता था उनका। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसे ऑडियो गियर्स मिलेंगे जिसमें सारी डिटेल्स चल रही है, मतलब आप जिस भी स्लाइड को देखने जाते हो वो स्लाइड सारी आपको इसमें सुनाई देगी। एक फ़ोन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, नया नया नवेला फ़ोन है, चोरी मत कर लेना, और इसके अंदर सारा मतलब चल रहा है जो भी अंदर बोल रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं सुनना तो आप इसमें ईजिली सब सुन सकते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको आधार कार्ड की हार्ड कॉपी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भैया जो कपड़े पहने जाते थे श्री जवाहरलाल नेहरू के, ये जवाहरलाल नेहरू का क्रिकेट बैट है, जवाहरलाल नेहरू का सिटिंग रूम है भैया श्री जवाहरलाल नेहरू। वो फैन ऑन है भाई, बिजली वेस्ट कर रही है तो एसी भी ऑन है, एसी भी ऑन है। ये जो है भैया ये है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की ट्रस्टी एम्बेसडर कार। सो गाइस अभी जो आपने देखा वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, और वहाँ काफ़ी चीज़ें अपडेट की गई थी इसलिए हम वहाँ भी विजिट किए। लेकिन जो असली बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग बनाई गई है वो ये वाली है जिसको पीएम संग्रहालय का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे सभी 14 प्राइम मिनिस्टर के कंट्रीब्यूशन को डिस्प्ले किया गया है, उन्होंने नेशन को सर्व करते समय क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वो सब बताया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पीएम संग्रहालय द कलेक्शन ऑफ लास्ट 14 प्राइम मिनिस्टर्स। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द करंट प्राइम मिनिस्टर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। भारत की मुक्ति के वास्तुकार मोहनदास करमचंद गांधी अथवा महात्मा जिस नाम से दुनिया ने उन्हें पहचाना, वल्लभ भाई पटेल, श्री सी राजगोपालाचारी, श्री जवाहरलाल नेहरू परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने 22 किलो टन की क्षमता वाला अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब हम जा रहे हैं इस पूरे संग्रहालय के सबसे वाइब्रेंट और सबसे इलेक्ट्रिफाइंग जोन के अंदर, टाइम मशीन। तो गाइस यहाँ पर आशीष भैया बैठे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे और सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर है। दीपू की फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यहाँ से भैया फोटोज क्लिक करवाने के बाद वहाँ से डायरेक्ट मेल पे ले सकते हैं। पे आ गया ये हम दोनों आ गए आ गया आ गया आ गया। ये वाला भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो यूनिटी चेन है इनका टारगेट है 1 मिलियन, अभी कुछ हुए हैं 3730, 1 मिलियन करवा देना भैया, आते रहना यहाँ पे, ठीक है ना। तो गाइस ये वॉक विद पीएम है, इसमें वीडियोज बनेगी और ऐसा लगेगा कि आशीष भैया के साथ ही पीएम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। आप सभी लोग नहीं टीवी में देख लीजिए, चलो दीपू की बारी आप। नमस्कार, वॉक वॉक तो गाइस यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने के, आने वाले भारत में आप क्या चाहते हो, और जो आप यहाँ पर आईपैड पे लिखोगे वो ये स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये लिख दिया भैया मैंने, मोदी है तो मुमकिन है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हाउ वेल डू यू नो योर प्राइम मिनिस्टर, ये भैया क्विज है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखते हैं कितना हम सही दे पाते हैं। दीपू अब रिकॉर्ड अच्छे से कर लेना, बस बेइज्जती ना हो जाए। जो भी करना है हमें उसमें से ए बी सी डी चूज कर लेना, उस पर पैर रख देना है तो हमारी क्विज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भैया। इसके बाद हम जाएंगे क्विज में, 10 क्वेश्चन है यार, बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी लोग भी खड़े हुए, 5 क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, 5 के दूंगी, ठीक है, देखते हैं किसके ठीक होते हैं। गाइस भाई जी का सही है आंसर, वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी सही हो गया, थर्ड वन का रॉन्ग हो गया। ओ राजीव गांधी का भी सही है, हाई स्कोर है क्या ये इसने बताया भाई। अच्छा यू आर अ चैंपियन, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इज करेक्ट।
आपको कुछ समझ नहीं आएगा भैया, लेकिन यहाँ से देखोगे तो ये है लाल बहादुर शास्त्री। ये हमने पढ़ा था ये हरित क्रांति, फूड क्राइसिस से लो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। सारे प्रधानमंत्री प्लेयर थे क्या? जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट खेल रहे हैं, बहादुर शास्त्री देखो रैकेट खेलते थे, ये तो लोहे की तार है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। दूध लिया यार, प्यास लग रही है थोड़ी सी, ले लिया उसमें से थोड़ा सा। एमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश मुरारजी अडवाणी अशोक मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड। इंदिरा गांधी के बाद नेक्स्ट स्लाइड है मुरारजी देसाई। ये भी अब बोफोर्स स्टॉप बोफोर्स गन का है, जिसमें राजीव गांधी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बहुत ही दुखद घटना। हेलो, किससे बात हो रही है? सर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? सर रोज ब्लॉग डालता हूँ फिर भी नहीं चल रहा। अच्छा, लोग लाइक नहीं करते इसलिए? और कोई टिप्स दो ना, थोड़ी अच्छी टिप्स दो, लोग तो नहीं करेंगे लाइक। अच्छा, पहाड़ों में चले जाऊँ, कश्मीर घूमूँ? ठीक है सर, डन। ये भैया राजीव गांधी की बहुत ही दुखद तरीके से जो मृत्यु हुई थी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। और ये बॉम्ब फटा, ये राहुल गांधी राजीव गांधी का अंतिम संस्कार करते हुए। ये भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी की रिस्ट वॉच है, ये उनका पेन है, ये उनके स्पेक्स है, चश्मे है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भैया अभी हमने लाइव पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट देखा है, भूकंप आ गया था भैया, बढ़िया चीज़ बना रखी है, आप जरूर आइएगा इधर, ये पोखरण वाला जरूर टेस्ट कीजिएगा। यहाँ समाप्त होता है भैया अटल बिहारी वाजपेयी का जो पूरा कार्यकाल था, मुझे अब तक का बेस्ट लगा अटल बिहारी वाजपेयी का। अब शुरू होता है हमारे माननीय सरदार जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। मैंने अभी लास्ट वीक में दो मूवीज़ देखी है, एक पीएम मोदी वाली जिसमें विवेक ओबेरॉय है, वो मूवी अगर आपने नहीं देखी वो देखना,
और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अनुपम खेर जी मनमोहन सिंह की एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत मतलब बढ़िया मूवी है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, आप देखिएगा ज़रूर, उसके बाद यहाँ आइएगा। ये भैया 2008 ताज अटैक मुंबई, ये रहा वो कसाब। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एक और इंडिया का 29th स्टेट बना। मनमोहन सिंह जी चाहे कांग्रेस के हो चाहे बोलते कम थे, लेकिन काम काफ़ी करके गए थे। ये यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, आप आइएगा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल किसी पार्टी का होता है तो फिर वो एक ही पार्टी की बात कर रहा होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझदार हो। गाइस पीएम संग्रहालय के अंदर कैफ़े भी है, आप अगर फैमिली के साथ आए तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ज़्यादा फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट चिप्स हो गई, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, ये सब अवेलेबल है। सो गाइस वी फाइनली एक्सप्लोर्ड द फुल पीएम संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय को हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत बड़ा है भैया, हमें 2.5 घंटे लगे हैं पूरी तरह से घूमने में, एक एक चीज़ देखने में। पैर दर्द हो रहे हैं नो डाउट, बट वर्थ वॉच है, आपको जब भी टाइम मिले आप ज़रूर आइएगा। तो गाइस पीएम संग्रहालय की जो टाइमिंग्स है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 10 AM to 6 PM। प्लस जो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बताना चाहूँगा वो ये कि मंडे को ये बंद रहेगा, फिर भी आप गूगल पे अपडेट ले सकते हो कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, क्योंकि हमने बात करी है, अभी न्यूली ओपन हुआ है तो काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, काफ़ी टाइमिंग्स चेंज हो सकती है। ठीक है, स्लॉट बुकिंग्स वेरी करते हैं अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो आप हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जैसे आज हमें सिर्फ वॉक विद पीएम और सेल्फी विद पीएम ही मिला है, बाकी दोनों चीज़ें हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए क्योंकि उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी थी। तो वन टाइम वॉच है और कम से कम 3 से 4 घंटे आप लेके आना, डिटेल में देखना चाहते हो तो एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करना। हमारे सभी प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया है, उनके अप्स डाउन्स, चैलेंजेस और उन्होंने क्या क्या फेस किया है, तो मेरे हिसाब से वर्थ वॉच था। और आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर ये ब्लॉग, ये पूरा पीएम संग्रहालय आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जब जब आप पीएम संग्रहालय आओ तो मुझे याद करना। थैंक यू सो मच।